भारत सरकार के डीआरडीओ द्वारा जोनल हॉस्पिटल मंडी में जिला का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट 10 दिनों के भीतर स्थापित करके उसे शुरू कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में डीसी मंडी ऋत्विक ठाकुर के निर्देशों पर एनएचएआई और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जोनल हॉस्पिटल का दौरा किया और प्लांट के लिए जगह चिन्हित की। एनएचएआई 10 दिनों के भीतर ऑक्सीजन प्लांट के लिए ढांचा तैयार करके देगी, जिसमें बिजली की सुविधा भी होगी, जबकि उसके बाद डीआरडीओ इसमें ऑक्सीजन प्लांट की सारी मशीनरी स्थापित करके इसे सुचारू रूप से चलाकर जोनल हॉस्पिटल प्रबंधन के हवाले कर देगा। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि ये प्लांट 1000 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा और इससे हॉस्पिटल में उपचाराधीन मरीजों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन के निर्देशों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नवीन मिश्रा और जोनल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर डीएस वर्मा के साथ उन्होंने खुद संयुक्त दौरा करके जगह का चयन कर लिया है। अभी पिछले कल ही इसका निर्धारण हुआ है। माननीय जिलाधीश महोदय को प्रदेश सरकार की तरफ से इसकी सूचना दी गई और माननीय जिलाधीश महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसे पीछे से दिशा निर्देश थे कि इसका जो सिविल वर्क है उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूट करना है, तो एनएचएआई ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्री नवीन मिश्रा जी, वो आज सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने मेरे साथ और सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जोनल हॉस्पिटल मंडी डॉक्टर धर्म सिंह वर्मा के साथ और जो हमारी टीम थी उसके साथ जहाँ पे ये प्लांट लगेगा उस स्थान का चयन किया और उसके बाद जो अगली जो ये सिविल वर्क बना के देंगे उसका एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद डीआरडीओ की तरफ से जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट लगना है वो भी आ जाएगा, तो जो पीछे से दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक ये 10 से 15 दिन के भीतर ये प्लांट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और ज्यादा सुदृढ़ होगी और हमारे रोगियों को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि मंडी जिला के नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज में 500 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला प्लांट पीएम केयर की तरफ से हाल ही में स्थापित किया गया है, जबकि अब जोनल हॉस्पिटल में 1000 लीटर वाला प्लांट लगने वाला है। ये सरकारी क्षेत्र का जिला का सबसे बड़ा प्लांट होगा। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के डीआरडीओ की तरफ से प्रदेश के लिए 6 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किए गए हैं, जिनमें से एक जोनल हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। इस कोविड की वैश्विक महामारी के चलते भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो ऑक्सीजन थेरेपी के लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसके तहत भारत सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को विभिन्न जगहों पर पीएसए प्लांट, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट दिए गए हैं, जिनमें से एक जोनल हॉस्पिटल मंडी के लिए भी मिला हुआ है। इस प्लांट के माध्यम से हॉस्पिटल के अंदर ही ऑक्सीजन पैदा होगी और ये जो प्लांट है ये 1000 LPM का है, यानी 1000 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का इसमें पैदा होगी। तो वो जो ऑक्सीजन पैदा होगी वो फिर जो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है, पाइपलाइन बिछी हुई है, उसके माध्यम से रोगियों के हर बेड तक उसके माध्यम से पहुंचेगी। आपको बता दें कि अभी तक 90 बिस्तरों वाले जोनल हॉस्पिटल मंडी में सिलेंडरों के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, जबकि 100 बिस्तरों वाला एमसीएच भी बहुत जल्द सुचारू होने वाला है, जिसके बाद हॉस्पिटल में बिस्तरों की संख्या बढ़कर 200 तक पहुंचने वाली है। कोरोना के मौजूदा समय और भविष्य में ये प्लांट काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है।